कारवान में सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया है, जहां सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में अवामी नुमाइंदे मिलकर इलाके की सफाई और खूबसूरती के लिए इकदामात अंजाम देंगे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में आज हल्के कारवान में सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस मुहिम में रुकन असेंबली हल्के कारवान कौसर मुहीउद्दीन, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नासिरुद्दीन, हारून फरहान और अमीरुद्दीन के अलावा GHMC के डिप्टी कमिश्नर और दीगर अहलकार भी मौजूद थे। ये सफाई मुहिम हैदराबाद की सफाई और खूबसूरती के लिए एक अहम इकदाम है, जिसका मकसद विरसे के कचरे का खात्मा और मलबा व कूड़े का सफाया करना है। इस मुहिम के तहत कारवान हल्के के हर वार्ड का इहाता किया जाएगा, जिनमें हकीमपेट आइस फैक्ट्री, अकबरपुरा, मेथर बस्ती, शाह हातिम तालाब आउटलेट, पुलिस लाइन क्वार्टर्स, कठोरा हाउस और उसके इर्द गिर्द के इलाके शामिल हैं। ये सफाई मुहिम न सिर्फ इलाके की सफाई के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये कम्युनिटी के लोगों को मिलजुल कर काम करने की भी तरगीब देगी। हैदराबाद की खूबसूरती को बढ़ाने और आवाम की सेहत को बेहतर बनाने के लिए ये इकदाम बहुत अहम है। इस मौके पर सबको मिलकर एक साफ सुथरा और सब्ज कारवान बनाने की अपील की गई है। सदर मतलब जनाब नकिब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के अंदर और ग्रेटर हैदराबाद के अंदर जो GHMC की जानिब से एक स्पेशल राइड जो रखा गया, जिस प्रोग्राम के अंदर तमाम एज को, डिप्टीज को और तमाम अहदेदारों को कई नोडल ऑफिसर बनाकर, कई स्पेशल ऑफिसर बनाकर हर वार्ड के अंदर जहाँ पर भी गारबेज हो या डिब्रिस हो और उसके अलावा जो सैनिटेशन का जो प्रोग्राम है, जो विल्ड्रम्स की कमी थी, रिक्शाओं की ज़रूरत थी, आज से कई दिन पहले कमिश्नर साहिबा से मुलाकात करके नुमाइंदगी की गई थी और जिसके अंदर हल्के कारवान के अंदर विल्ड्रम्स, रिक्शे और उसी तरीके से जो वायरल चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो मलेरिया डिपार्टमेंट, इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर, AMO असिस्टेंट हेल्थ मेडिकल ऑफिसर और हमारे हल्के कारवान के टोली चौकी कॉरपोरेटर, गोलकुंडा नानानगर कॉरपोरेटर, अपने अपने वार्ड्स के अंदर इस प्रोग्राम को आगाज़ किया गया और इस प्रोग्राम के अंदर जमात के सदर मुतमदिन एक्टिव वर्कर्स शामिल थे। ये प्रोग्राम आज से लेकर आने वाले 29 तारीख तक रहेगा, मैं समझता हूँ। इंशाल्लाह अभी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबा से बात किया, मैं कमिश्नर साहब को, एडिशनल कमिश्नर साहब को, जोनल कमिश्नर साहब को लेटर भेजेंगे ताकि प्रोग्राम को और एक्शन करने के लिए, क्योंकि हर वक्त प्रोग्राम होता था मगर डिब्रिस काटिंग के लिए नहीं होता था। इस प्रोग्राम के अंदर हर जगह पर कहीं पर भी मट्टी हो या कचरा हो या कांटी हो, जो भी गंदगी है उसको लिफ्ट करने के लिए प्रोग्राम को 7 दिन का प्रोग्राम रखा गया। इसको एक्शन करने के लिए इंशाल्लाह नुमाइंदगी की जाएगी। आज के प्रोग्राम के अंदर डिप्टी कमिश्नर, AMO, इंटोमोलॉजिस्ट और अदर डिपार्टमेंट के हमारे कॉरपोरेटर शामिल थे, चाहे वो गोलकुंडा हो या बंजारी दरादा हो या जमाली दरादा हो या शातम तालाब, मोहम्मद इलैन, अकबरपुरा, हकीमपेट और सारनगर, तमाम हल्के जात के अंदर कारवान, सब्जी मंडी, हर जगह पर जहां पर भी कचरा डिब्रिस है इंशाल्लाह उन तमाम जगह के पॉइंट को लिफ्ट किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में जितने भी हमारी जमात के सदर मुतमिन थे उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मीडिया के जरिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके बस्तियों में जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको बताइए या मेरी जमात के सदर मुतमदीन को बताइए या हमारे कॉरपोरेटर्स को बताइए, आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा।